भाई साहब कैब आ गई है, आ गई है, बट ये कब से घुमाया जा रहा था कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। फिर लोकल से एक बात कराई मैंने, फिर उसने बोला कि ये सामने खड़ी है 7437। आज हमने जो SUV की है वो है MG आई स्मार्ट। अभी इसको ढूंढने में कम से कम 15-20 मिनट लग गए, एक पहले वाले ने कैंसिल कर दिया, दूसरे वाले घुमाते रहे, पूरी दुनिया घुमा लिया, फिर यहाँ पे आ पहुँचे हैं। देखते हैं अभी कितने देर पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर है, अब मॉर्निंग में तो ट्रैफिक है नहीं उतना, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। उसके बाद कैश पे निकाल लिया, बिकॉज कैश फाइनली निकालना पड़ा, उन्होंने अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे $US पे। मैं बोला ना भाई मैं कैश ले लूँगा, फिर ATM से कैश निकाले, सेम कॉस्ट पड़ रहा था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल लिया इनकेस आगे जरूरत ना पड़े। यार मेरे ख्याल से बस मिल जाएगी मोचित की, मोचित का टाइम 7:30 है, 8 अच्छा पहली बस मोचित की जो जाती है वो जाती है 7:30 में, और उससे पहले जाती है 5 बजे, अब सीधा 10 बजे थी, थैंक गॉड हम टाइम पे पहुँचे हैं। और एक मई का 8 बजे का है। यार मोचित की बस तो फुल हो गई थी, सिर्फ एक टिकट बची थी जो अभी 8:30 बजे की थी, नहीं 8 बजे की बस, बट एक सीट में होता नहीं, एक सीट हमने छोड़ दी फिर, और दूसरा फिर हमें AMI का टिकट लेना पड़ा, और वो जो बस है वो 8 बजे है, तो अभी 1 घंटा है हमारे पास, अदरवाइज हमें मोचित जाना हो तो 8:30 बजे का वेटिंग करना पड़ता, और सेम टाइम 2.5 घंटे लगाएगी यहाँ से। दूसरा ये है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो ओके फाइन देखते हैं। बस ये जो येलो वाली बस है वो लोकल जाती है मुगदन टू रयोंग, ये लोकल मुझे आइडिया नहीं कितनी दूर जाती है, बट जितने भी येलो बसेस है वो जाती है। तो मोचित का एवरेज 10 मिनट्स में मुझे दिख रहा है कि बस है, बिकॉज हमने जो बस ली है वो 8 बजे की है, और अब 8:10 की बस मिल रही है AMI की। मोचित की बस अभी सेम वही है, 8:30 बजे की है, तो आई थिंक एवरी हाफ एन आवर में आपको मोचित की बस मिलेगी, और एवरी 10 मिनट्स आपको AMI का बस मिलेगा। अभी जो काउंटर पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो आने से पहले, एक बार आप चेक कर लें कि यहाँ पे क्या टाइमिंग है, बिकॉज अगर हम 10 मिनट पहले अगर आए होते तो हमें 7:30 की बस मिल जाती मोचित की। दूसरा ये कि यार अभी मैं चेक कर रहा था कि मोचित से डाउनबाउंड एयरपोर्ट की कितनी डिस्टेंस है और AMI से कितनी डिस्टेंस है, तो मोचित से 15 किलोमीटर्स और AMI से 34 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट डबल है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। बट शॉकिंग ये चीज़ है कि जो फास्ट है जो टैक्सी मोचित के लिए है वो अराउंड 800 थाई बात और 900 थाई बात AMI के लिए, मतलब 15 किलोमीटर्स के लिए 800 थाई बात इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने 2.5 घंटे का बोला था, पर 2.5 घंटे की जगह पे इन्होंने 2 घंटे में पहुँचाई। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था कि 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, बट 2 घंटे नहीं, 2.25 घंटे में हम पहुँच गए थे। और अभी जो ग्रैब जो मैंने आपको बताया था कि 800 या 900 बात दिखा रहा है, अभी हमने जो बुक किया है 475 बात आ रहा था, मैंने काजल के फ़ोन में भी डाउनलोड किया तो उसमें भी दिखा रहा था 525 और 30% डिस्काउंट होगा, बट डिस्काउंट करने के बाद भी 465-475 के बीच में आ रहा है, बट एयरपोर्ट पे 15% डिस्काउंट था मेरे मोबाइल पे, तो मैंने वो अप्लाई किया तो 400 थाई बात में हो गया है, सो ऑलमोस्ट 1100 या 1200 रुपये में करना है, आ गया है टैक्सी आई गेस। और ये है ईस्टर्न बस टर्मिनल, हम जहाँ से आ रहे हैं नॉर्थ बताया था, नॉर्थन टर्मिनल था पतिया का, ये बैंकॉक का ईस्टर्न टर्मिनल है AMI, और मेरे ख्याल से जो मोचित है वो आपका पड़ता है चाटुचाक में पड़ता है वो, तो दूसरा साइड है वो, और ये जो है इसका सामने ये जो है ये BTS है, AMI का BTS। फाइनली एक टैक्सी कैंसिल होने के बाद दूसरी टैक्सी आई हुई है, और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमें वेट करना पड़ा, मुझे लगा कि यार 10 बजे हम पहुँच गए हैं, 10 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, तो घूमते रहे एक टैक्सी आई ढूंढती रही, वो क्या बोल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया, उसने कैंसिल कर दिया, मैं उसको हाथ भी दे रहा हूँ कि यार यहीं पे हूँ, बट शायद उसने देखा नहीं और वो निकल गया। फिर उसके बाद दूसरा बुक की, उसको आने में 10 मिनट लग गए, तभी उसी में बैठे हैं, अब यहाँ से 11:11 में पहुँचेगी। Where did all the times go? When did they all pass by? How did I get so lost in a blink of an eye gone? You were just here by my side, everything was nice now. I take it, it's all over now. Damn, I gotta move on, away from my comfort zone. Yeah, I gotta stay strong, even if my wounds open and show. Yeah, I gotta live on for the
पहुंच गए। और प्लस पॉइंट ये है कि हमें चेकिंग नहीं करना पड़ा, कियोस्क से ही हमने वहाँ से बोर्डिंग पास ले ली, पासपोर्ट स्कैन किया और दो मिनट में बोर्डिंग पास आ गया। अब चल रहे हैं इमिग्रेशन के पास। यहाँ से ही फॉरेन पासपोर्ट का यहाँ से अंदर जाना है और यहीं पे चेकिंग होगा। ये देखो यार, यहाँ से ना रोबोट से हो रहा है क्लीनिंग। ये जो वैक्यूम क्लीनर है यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर रहा है, ये रिमोट कंट्रोल से सारा कुछ सर्विस हो रहा है। ये देख रहे हो, यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि थाईलैंड में सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम आपके पानी के बॉटल भी निकाल देते हैं। अगर पानी है उसके अंदर तो पानी का बॉटल पूरा पानी फेंक देंगे, दो तीन बॉटल लगा, सील्ड पैक भी है, हाफ लीटर का भी है, वो भी फेंक देते हैं। और जैसे आप सिक्योरिटी क्रॉस करोगे तो बहुत सारी शॉप्स होगी जहाँ पर पानी बॉटल बिक रहा है, तो आप वहाँ से खरीद लो, बट आप पानी बॉटल लेकर नहीं आ सकते, पानी लेकर नहीं आ सकते। अब जैसे अभी क्या होता है कि करांबी से जब हम बैंकॉक आ रहे थे तो वहाँ भी पानी इन्होंने फेंक दिया, लिक्विड जो भी 100 ml से ऊपर था वो सारे फेंक दिए, फेस वॉश, बॉडी वॉश, सीरम, जेल, सब कुछ फेंक दिया इन्होंने, पानी बॉटल फेंक दिया। एक खाली बॉटल था तो वो ले जाने दिया कि ले जाओ। अब वहाँ पर करांबी एयरपोर्ट पर क्या है कि वहाँ पर रिफिलिंग का ऑप्शन नहीं, तो वहाँ रिफिल नहीं कर पाए। अभी हम हैं बैंकॉक के एयरपोर्ट पर डॉन मॉन एयरपोर्ट। अब इन्होंने सिक्योरिटी के टाइम में जितने भी दो बॉटल थे हमारे 500 ml के दो बॉटल थे वो फेंक दिया इन्होंने, हमारे पास कोई भी खाली बॉटल नहीं था। यहाँ पहुँच गए, अब भाई साहब यहाँ पर रिफ़िल का सिस्टम है, आपके पास अगर खाली बॉटल है तो आप रिफ़िल कर लो। अब खाली बॉटल तो है नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी फेंक दिया था, हमारे पास पता था कि दो बॉटल है, और जो फुल था वो इन्होंने यहाँ सिक्योरिटी में निकाल दिया। अब यहाँ पर खरीदो, मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता कि मतलब है क्यों ये। अगर आप सिक्योरिटी से हटा रहे हो तो बेटर आप यहाँ से पानी हटा दो पूरा। गाइस आप बताओ कि इसका लॉजिक क्या है, मतलब सिक्योरिटी के बाद आप पानी यूज़ कर सकते हो, बट आप सिक्योरिटी से पहले जो पानी बॉटल ला रहे हो, पानी ला रहे हो वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अभी फ्लाइट में हाफ एन आवर है और फ्लाइट अभी टाइम से है, गेट नंबर 22 से निकलेगी और हम सिंगापुर लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 4:30 बजे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर जाना है हमें होटल। तो वहाँ से होटल जो है देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, और उसके बाद आज तो हमें रेस्ट करना है, ट्राई करते हैं कि कुछ आसपास में घूमने का, लिटिल इंडिया के पास में हमने होटल लिया, आसपास में घूमेंगे, अदरवाइज कल का जो टाइम है हमारे पास कल हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। Away from my comfort zone. Yeah, I gotta stay strong, even if my wounds open and show. Yeah, I gotta live on for the present. Know that everything'll be okay, just fine. Everything'll be alright, right, right, right. I can't take this pill, not any longer. चलो भाई साहब, इन्होंने वीज़ा इमिग्रेशन पे चेक नहीं किया, चेकिंग काउंटर पे जो वहाँ पे अभी हम जहाँ पे बोर्ड करने वाले हैं वहाँ पे इन्होंने वीज़ा मांगा। मुझे लगा शायद मेरे पास प्रिंट आउट है, मैंने प्रिंट आउट निकाला, मेरा प्रिंट आउट था ही नहीं। अब मैं सोचा यार क्या हो गया, अब कहाँ है, फिर मुझे याद आया कि अच्छा ईमेल पे तो आई थी, फिर ईमेल निकाला, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया, फिर इनको दिखाया। मैं अलग अलग ही चलता रहता है यार, आज सुबह से ऐसे ही चल रहा है। Every time I think about you, girl, the pain is absolute.